नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्त। आप देख रहे हैं टेक यू टाइम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले गूगल एनालिटिक्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सर्च कंसोल में कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं, और अब बात करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स में कैसे आप कोड जनरेट करते हैं, फिर कैसे वेबसाइट को लिंक करते हैं एनालिटिक्स अकाउंट के साथ में। तो सबसे पहले बात, आपको गूगल एनालिटिक्स सर्च करना है गूगल पे, और फिर गूगल एनालिटिक्स जो लिंक आता है सबसे पहले में, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल पूछेगा कि कौन से मेल से आपको लॉगिन करना है। मैं अपना एक अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, और उस अकाउंट से लॉगिन करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे लिंक करना है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट लॉगिन कर लिया है, और अब जो अकाउंट लॉगिन हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि सबसे पहले चीजें क्या करनी है। देखिए यहाँ पे आ रहा है सेटअप फॉर फ्री, तो सबसे पहले यही आएगा, मैंने सेटअप फॉर फ्री कर दिया। अकाउंट नेम आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे अकाउंट नेम डाल देता हूँ अपना WDC, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं होती, आपको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फिर बात आती है कि क्या चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। वेबसाइट एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन और वेबसाइट, मतलब दोनों चीज़ें जैसे भी हैं। तो आप वेबसाइट, हमारी तो वेबसाइट है, एप्लीकेशन होती तो एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया नेक्स्ट। अब बात आती है यहाँ पे वेबसाइट का नाम, तो मैं वेबसाइट का नाम यहाँ पे देता हूँ WDC blog, और वेबसाइट का यहाँ पे URL, तो आपको URL यहाँ पे देना होगा wc.sunilda.in, ओके। कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी क्या कैटेगरी है, आप क्या चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, क्या है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ, यहाँ पे जस्ट यही लेते हैं, अपन तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ओके। रिपोर्टिंग टाइम जोन ये बिल्कुल आपको सही सेलेक्ट करना है, नहीं तो फिर देखना आप देखेंगे कि यार 3 बजे कितने लोग थे लाइन में, पता नहीं, तो पता नहीं चलेगा। मतलब आपकी वेबसाइट का सही एनालिटिक आपके टाइम जोन के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो वो टाइम जोन सेलेक्ट करिए। पीरियड क्लिक किया मैंने, ये आपको एक सर्विस एग्रीमेंट आ गया, डाउन तक क्लिक कीजिए, पढ़ लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट का भी कंट्री आप चेंज कर सकते हैं, आपको इंडिया का एग्रीमेंट चाहिए तो इंडिया का देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं सर्विस एग्रीमेंट और इन सब को लेके बहुत मतलब सीरियस होना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, जो क्या क्या नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट, ओके। सक्सेस मैसेज आ रहा है यहाँ पे, और अभी वर्किंग में है ये, ओके। यहाँ पे ये चीज़ आ गई, माई ईमेल कम्युनिकेशन बला 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 सेव। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसको एनालिटिक मोबाइल ऐप भी है, धीरे धीरे बता देंगे आपको सारी चीज़ें। कि ऐसा नहीं है कि आपकी वेबसाइट के एनालिटिक देखने के लिए आपको बार बार ब्राउजर में आना पड़ेगा, लैपटॉप खोलना पड़ेगा, नहीं। गूगल एनालिटिक का एप्लीकेशन भी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी, आपको एक बार अकाउंट बन जाता है तो फिर आप वहाँ पे जाके उससे भी यूज़ कर सकते हैं। इसको डिसमिस कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गई इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये जो चीज़ है ये क्या, देखिए ये आपको बनाना है अकाउंट और ऐसे ही बनाना है। यहाँ ट्रैकिंग आईडी आ गई आपकी, एक ट्रैकिंग आईडी ये है, और यहाँ पे आ गया आपका कोड, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास में कोड आ गया और ये ट्रैकिंग आईडी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है कि ये आपको चीज पढ़नी चाहिए, कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ पे देखिए, कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड एज फर्स्ट आइटम इनटू हेड ऑफ एवरी वेब पेज यू वांट टू ट्रैक, ठीक है। और यदि आपके पास में पहले से ही है तो फिर और भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। कहने का मतलब क्या है, आपकी ये जो आईडी है, ये जो कोड है, ये आपको क्या करना है, हर एक पेज के फर्स्ट में आपको पेस्ट करना है, हेड में। हेड का आपको पता ही है, HTML वाली वीडियो जो है उनमें हमने बात की थी, हेड एक चीज़ होता है, एक एलिमेंट होता है। तो इसको क्या करना है, कॉपी करना है आपको। अब लेकिन मेरा जो पेज है, मेरी जो वेबसाइट थी, ये इसकी ये जितने भी पेज है, अब इनमें मैं कहाँ, सब पेज में मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना पड़ेगा जैसे योस्ट में किया था, नहीं। तो उसके लिए क्या है, प्लगइन्स। उसके लिए क्या है, प्लगइन। तो हम फिर से एक प्लगइन ऐड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक प्लगइन ऐड करते हैं, और प्लगइन का नाम है इंसर्ट हेडर एंड फुटर। मतलब ये प्लगइन क्या करता है, यदि आपको आपकी वेबसाइट में फुटर और हेडर इंसर्ट करने हैं तो फिर आप इस प्लगइन का यूज कर सकते हैं,
इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ठीक है, एंटर क्लिक किया। सिंपल सा प्लगइन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं है, बस आपको हेडर का एक पोर्शन दिया है, फुटर का एक पोर्शन दिया है, ये है डब्ल्यू पी बिगनर के द्वारा है ये हेडर एंड फुटर। इस हेडर एंड फुटर को हम क्या करते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये हमें ऑप्शन दे देगा कि हेडर इंसर्ट करो। जैसे हमने एक बार हेडर इंसर्ट कर दिया, जितने भी पेज ये वेबसाइट सर्व करेगी अभी तक जितने बन गए वो और आने वाले, उन सभी में वो हेडर अपने आप लग जाएगा। और जैसे हेडर लग जाएगा तो हम एनालिटिक के द्वारा हम अपने जो पेजेस हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा पेज कब कहाँ कैसे एक्सेस किया गया या उस वेबसाइट पे उस पेज पे क्या एक्शन लिया गया। यहाँ पे देखिए प्लगइन एक्टिवेटेड आ गया। अब जो प्लगइन है उनके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर रहा था, क्योंकि कई कई लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे SEO जो है ये प्लगइन ऐसे दिखा रहा है, CRM फॉर्म भी दिखा रहा है, CRM एंट्री भी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं आया हमारा जो प्लगइन है अभी, क्या नाम था, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। तो कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो सेटिंग में चले जाते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं, सेटिंग में। देखिए यहाँ पे सेटिंग में आ गए, और कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे, जिन प्लगइन का खुद का डैशबोर्ड होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं, जिन प्लगइन का नहीं होता वो यहाँ पे रहता है। तो इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे जाइए, सेटिंग में जाना है और इंसर्ट हेडर एंड फुटर में, ठीक है, पाथ ये है। यहाँ पे आ रहा है स्क्रिप्ट इन हेडर, मतलब यदि आपको स्क्रिप्ट हेडर में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो जो स्क्रिप्ट मैं यहाँ से कॉपी करके लेके आए थे, जो स्क्रिप्ट हम यहाँ से जो कॉपी करके लेके आए थे अपन, ये स्क्रिप्ट थी हमारी, इस स्क्रिप्ट को क्या करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे नीचे देखिए फुटर में भी है, बॉडी में भी। यदि आप चाहते हैं कि बॉडी में कोई स्क्रिप्ट चलाना, फुटर में कोई स्क्रिप्ट चलाना, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं और इसको बाद में यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सेटिंग सेव हो गया। अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे देखेंगे, चलिए पहले एनालिटिक पे चले जाते हैं हम। ये हमारा एनालिटिक हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी, धीरे धीरे कुछ चीज़ें मैं भी बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं ऑल वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे WDC ब्लॉग और ऑल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक पेज है, यहाँ पे हम जाते हैं इस पे होम आइकन पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग हो रहा है, ओके, ये हमारा होम है। तो हम एक बार इस होम पे आके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखती हैं। देखिए ये गूगल एनालिटिक का होम है, यूजर सेशन अभी कोई सेशन नहीं है, कोई भी एक एक्टिव यूजर अभी नहीं है। अब क्या हम एक वेबसाइट सर्च करके देखें पेज में किसी में, और उसके बाद देखते हैं इस वेबसाइट पे क्या दिखाता है। मैं यहाँ पे WDC लिख रहा हूँ, WDC.sunildutt.in, मैंने सर्च किया अपने ही कंप्यूटर में, तो ये जो वेबसाइट है हमने सर्च कर ली, मैंने ये पेज को कॉल किया है, तो क्या एनालिटिक में दिखाएगा, यूजर को दिखाएगा क्या। अब होता क्या है कि कितने एक्टिव यूजर हैं वो आपको यहाँ पे एनालिटिक में दिखाने चाहिए, यदि अभी इस वेबसाइट को कोई सर्च कर रहा है तो, ओके। तो यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज है ओपन किया है और एनालिटिक में देखता हूँ, करेक्ट, यहाँ पे देखिए 1 एक्टिव यूजर दिखा रहा है, मतलब हैंड टू हैंड कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कॉन्टैक्ट वाला पेज सर्च क्यों किया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे देखिए दिखाता है, देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ये दिखाता है कि कौन सा पेज ओपन किया हुआ, एक्टिव यूजर तो है लेकिन वो कौन से पेज पे है। अभी इसको चेंज करते हैं, एक बार हम जाते हैं अभी अबाउट पेज पे, ठीक है, तो फिर से चेंज होना चाहिए वो, यदि मैं ये पेज की बात कर रहा हूँ तो अब उसका अबाउट पेज आ जाना चाहिए, क्लियर है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार कॉन्टेक्ट पे ही दिखा रहा है, अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, देखते हैं अभी कौन सा पेज दिखा रहा है, अभी मैं कौन से पेज पे हूँ, यदि सभी पेज में कोड लगा है तो दिखाना चाहिए, और एनालिटिक सही है कि नहीं है, रियल टाइम एनालिटिक है कि नहीं है, ये एक बार हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ माय स्लो इंटरनेट द पेज टेकिंग टू मच टाइम टू लोड, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ रहा है, देखिए अबाउट आ गया, एक्टिव यूजर 1, पेज कौन सा, अबाउट, ओके। इसको इंक्रीज करते हैं, मैं अपने मोबाइल में जस्ट एक बार ओपन करता हूँ और मोबाइल में भी देखते हैं कि उसमें ऐड करने से क्या चीज़ चेंज आती है। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को इसका एक्सपोजर है, जिनको गूगल एनालिटिक्स के बारे में पता है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चीज जानना जरूरी है कि कैसे एनालिटिक को यूज करते हैं। एनालिटिक बहुत ही पावरफुल टूल है। यदि डिजिटल मार्केटिंग आप सीखने गए और गूगल एनालिटिक नहीं सीखा, मतलब ऐसा हो नहीं सकता है एज पर माई नॉलेज। और क्योंकि हर एक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या जो भी पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, वो लोग गूगल एनालिटिक तो सिखाते ही सिखाते हैं, और बहुत ही अच्छा टूल्स है। और मोस्ट ऑफ थिंग मतलब जो है पॉपुलर वो क्या है कि ये फ्री मिल जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पेज में मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो पेज बताऊँगा नहीं। और यहाँ पे देखते हैं कि वो पेज कौन सा, ये अपना एनालिटिक कौन सा पेज शो करती है। ठीक है, अभी एक ही दिखा रहा है, दो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे मतलब मैंने होम पेज सर्च किया पहले, ठीक है, अभी दो एक्टिव यूजर हो गए, मैंने क्या किया होम पेज पे होंगे, तो यहाँ पे ऐसी चीजें आ जाती हैं। और भी यहाँ पे ऑडियंस पे यदि जाएंगे आप तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपका जो ऑडियंस है मतलब डिवाइस कौन सी है उसके पास में। देखिए यहाँ पे मोबाइल पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जियो लोकेशन क्या है, जियो लोकेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कौन सी जियो लोकेशन पे एक्सेस की गई है ज़्यादा। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या है एनालिटिक में, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी वेबसाइट का सर्फिंग होगा, जैसे जैसे डाटा होगा वैसे वैसे दिखा देंगे। यदि आपकी वेबसाइट का डाटा नहीं भी होगा तो भी फिर हम क्या करेंगे कि मैं अपनी जो वेबसाइट है उसकी कोई एनालिटिक आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनमें आप डेप्थ में नॉलेज जान सकते हैं, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या था, अभी हमारी वेबसाइट का एनालिटिक हो गया, हमारी वेबसाइट को कौन एक्सेस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये हम क्या कर सकते हैं लाइव देख सकते हैं अभी एट ए टाइम कि कौन किसने एक्सेस किया। बाद में तो रिपोर्ट तो यहाँ आएगी आएगी, रिपोर्ट यहाँ पे आएगी पर डे पर वीक पर मंथ, सारी रिपोर्ट यहाँ पे आती है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे अबाउट मैंने अभी चेंज किया तो पेज भी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, हेडर एंड फुटर कैसे ऐड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक को कैसे यूज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक को वेबसाइट के साथ में लिंक कैसे किया, हमने लिंक कर लिया, सक्सेसफुली लिंक हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हमारी वेबसाइट को हम सर्च इंजन पे दिखाना बाकी रह गया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।